अब खबरें विस्तार से। शिमला में आरएसएस की शाखा पर वामपंथी लोगों के द्वारा हमले की पूर्व मुख्यमंत्री प्रेम कुमार धूमल ने कड़ी निंदा की। हमीरपुर में धूमल ने वामपंथी लोगों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग सरकार से की और वामपंथी लोगों को सलाह दी कि वह हिंसा का रास्ता छोड़ दे। शिमला में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की शाखा पर जा रहे लोगों पर जिस तरह से वामपंथी लोगों ने हमला किया है वो शर्मनाक भी है, निंदनीय है। मैं उसकी भर्त्सना करता हूँ। वामपंथी विचारधारा का यही दुर्भाग्य है कि ये हिंसा में विश्वास रखते हैं। विश्वविद्यालय में हर बार कुछ ना कुछ ऐसी घटना घटती रहती है। सारे देश में इनका अस्तित्व खत्म हो रहा है, विश्व में अस्तित्व खत्म हो रहा है और फिर भी हिंसा का रास्ता छोड़ने के लिए तैयार नहीं है। राष्ट्रवादी शक्तियों के खिलाफ ये जिहाद सा करते हैं। जो लोग घायल हुए हैं मैं उनके शीघ्र स्वास्थ्य लाभ की कामना करता हूं और दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग करता हूं। मैं चाहता हूं कि हिंसा का हमारी राजनीति में, हमारे सामाजिक जीवन में कोई स्थान नहीं हो। इसके लिए इन ऐसे काम करने वाले तत्वों के खिलाफ शीघ्र और सख्त कार्रवाई की आवश्यकता है। राष्ट्रवादी शक्तियां इस तरह के हमलों से रुकती नहीं, झुकती नहीं। अंततः हार हिंसा और गलत विचारधारा की होती है। सारी दुनिया से खत्म हो रहा साम्यवाद आखिरी सांसें ले रहा है और आखिरी सांसों में इस तरह की घटिया हरकतें करता है जिसकी सब निंदा करते हैं। ऐसी निंदा सबको करनी चाहिए, भर्त्सना करनी चाहिए ताकि ऐसी घटनाएं आगे से ना हों।